हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं खाजा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये स्वीट है तो इसे आप कोई भी फेस्टिवल हो जैसे कि रक्षाबंधन, तीज, करवा चौथ, कभी भी बना सकते हैं। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने खाजा के लिए मैदा झाड़ लिया है ट्रे में, आप भी लें तो झाड़ लें, ये है ताजा पर झाड़ लेना जरूरी होता है। इसमें हम डालेंगे मोयन, तो यहाँ पे हम 250 ग्राम मैदा लिए हैं तो उसमें डालेंगे 50 ग्राम मोयन। ये माप परफेक्ट होता है और दूसरी पहचान भी हम आपको बता दे रहे हैं। मोयन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मोयन को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में हम मोयन को मल देंगे। ये बहुत बढ़िया तैयार होता है और ये स्टेप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे मोयन को आप जरूर मैसिएगा। आप देख सकते हैं मैदे में हमने मोयन को अच्छे से मैश लिया है, तो हम दूसरी पहचान बता रहे हैं। आप ऐसे मुट्ठी बांध के देखिए, अगर मैदे की अच्छी सी मुट्ठी बन जा रही है तो समझिए कि परफेक्ट अपना मोयन डल चुका है। चलिए अब इसको हम सान लेते हैं। तो हम इसको नॉर्मल पानी से पूरी के जैसे सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे, इसे हार्ड नहीं तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे अच्छे से गूंद लेना है। तो हमने अच्छे से मैदे का डो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने आटे का एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है, न ज्यादा हार्ड है न ज्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, आधा घंटा भी आप छोड़ सकते हैं, समय हो तो 45 मिनट भी चलेगा। अच्छे से यानी कि आटा को सेट हो जाने देना है। आधा घंटा हो चुका है, चलिए हम अपना डो चेक कर ले रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, पहले से अच्छा अपना मैदा फूल चुका है। अब हम इसको एक रोल का शेप देंगे, तो इसे हम आटा वाले चकले पे ले रहे हैं। इसको हम मसलते हुए रोल का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना मैदा गूंदा गया है। अब हम इसको चाकू से छोटे छोटे लोई के रूप में काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक रोल तैयार कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। अब हम इसे बॉल्स बना लेंगे, जैसे रोटी का लोई बनाते हैं उसी टाइप से हमें इसकी लोई बना लेनी है। तो हम सभी पेंडे बना के आपको दिखाते हैं। हमने सभी मैदे का लोई बना लिया है। अब हम एक लोई लेंगे और इसे सूखे आटे में ऐसे डस्ट करते हुए प्लेटफॉर्म पे ही बेलेंगे, क्योंकि हमें बड़े बड़े रोटियां बनानी हैं। चालू है। अब हम लोई को ऐसे बेलन से बड़ा बड़ा पूरा जैसा रोटी बनाएंगे। इसका कोई शेप देना जरूरी नहीं है, लेकिन पतला होना बहुत जरूरी है। जितना हम पतला बेलेंगे उतनी ही बढ़िया अपनी खाजा तैयार होगी। तो हम उलट पलट के इसे आपको बेल के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने एक पतली सी रोटी बेल ली है, बहुत ही पतला है। बाद में ये सुखेगा, फिर हम इसे बेल के बड़ा कर लेंगे। तो ऐसे ही हम सभी लोई का पहले बड़ा बड़ा रोटी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम पतली पतली पूड़ियां बना रहे हैं, इसे हम प्लेट में ऐसे रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5 पूरी बना लिया है, आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। ये हमारी लास्ट वाली लोई है जिसे हमने नीचे छोड़ दिया है। अब हम एक कटोरी में 4 चम्मच मैदा लिए हैं और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को हम ऐसे घोल लेंगे, इसे साटा कहते हैं, आपके लैंग्वेज में जो भी कहा जाता हो समझ लीजिएगा। हम अच्छे से इसका घोल बना लेंगे और इसमें से हम एक चम्मच लेंगे और एक रोटी के ऊपर ऐसे डाल, हमें एक रोटी पे अच्छे से इस साटे को लगा लेना है। इसमें कोई कोताही नहीं करना है, तभी अपनी खाजा जो है अच्छे से लेयर वाली बनेगी। अब हम इस रोटी के ऊपर दूसरी वाली रोटी ऐसे डाल देंगे, तो सावधानी से आप डाल सकते हैं इसे। ये मैदा है तो थोड़ा इधर उधर खींचने से कुछ नहीं होता है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर से हम साटा का लेप लगाएंगे।
तो ध्यान से देखिए हम कितने पर्याप्त मात्रा में इस पे साटा लगा रहे हैं। हमने दूसरे वाले रोटी पे भी अच्छे से साटा लगा दिया। अब हम तीसरी वाली डाल रहे हैं, तो ऐसे करके हम सभी में लगा के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने चौथी रोटी पे यहाँ पे अपना मैदे और तेल का घोल यानी कि साटा लगा लिया है। अब हम ये ऊपर वाली रोटी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमें साटा नहीं लगाना है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और बेलन की मदद से हल्का सा फैला देंगे, क्योंकि मैदा है अपना सिकुड़ा होगा, वो पतला हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से ये प्रोसेस करना है, ध्यान रहे। अगर आप दबाते हैं तो बीच में अपनी कोई पूरी टूट सकती है, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी अपनी और ये खाजा का सेट फैल चुका है। अब हम लास्ट में इस पर जो बचा है वो सारा साटा डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। तो ये अपना टॉप लेयर है। अब हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये सारी लेयर्स है अपनी। अब हम यहाँ चुटकी से पकड़ेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे रोल करेंगे। ध्यान रहे हमें प्रेस नहीं करना है, नहीं तो अपनी लेयर जो है खाजे की वो अच्छे से नहीं उभर के आएगी। तो ऐसे हम इसका रोल बना लिए। अब हम हल्के हाथों से हल्का हल्का इसको गोल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्के हाथों से हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसके पीसेस काटेंगे। तो आपको कितनी साइज़ की खाजा बनानी है उतनी साइज़ का काटिए, थोड़ा बड़ा छोटा चलता है। तो हम इस साइज़ का काट रहे हैं, आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच का होना चाहिए। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया अपनी गाजा की लोई तैयार हुई है, सभी लेयर्स दिख रहे हैं। अब इसको बेलना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम एक एक लोई लेंगे और इसको ऐसे प्रेस करेंगे। ध्यान रखिए इस पोजीशन से प्रेस करना है, बेलन की मदद से हमें इसे पतला सा बेल लेना है, ज़्यादा भी पतला नहीं करना है, ये खाजा का सेप दे देना है। तो हम ऐसे ही सभी खाजे बेल के आपको दिखा रहे हैं। हमने लोई ले लिया, लोई को ऐसे प्रेस कर लिया उंगलियों की मदद से और बेलन की मदद से हमें ऐसे लंबा सा बेल लेना है। अब ध्यान से देखिए ये पतला भी हो गया है, अपनी लेयर भी दिख रही है, तेल में जाने के बाद अच्छे से ये खुल के आपको दिखेगा। तो चलिए हम सभी बेल लेते हैं। तो हमने सभी खाजा बेल लिया है, चलिए हम इसे तेल में अप्लाई करते हैं। तो हम एक एक खाजा को धीरे से उठाएंगे और तेल में छोड़ते जाएंगे। ध्यान रहे तेल अपनी बिल्कुल 0 मात्र गर्म होनी चाहिए, तभी हम ये डालेंगे और धीरे धीरे अपनी तेल भी गर्म होगी और अपना खाजा भी तैयार होते जाएगा, यानी कि अच्छे से फूलेगा। तो आप आराम से ठंडे तेल में ही डाल के गैस ऑन कीजिए और खाजे को फ्राई कीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने उलट पलट के अपने खाजा को 15 मिनट तक पकाया है। आप इसकी लेयर देखिए कितना बढ़िया उभर के आया है और कलर भी अपना रियल वाला आ गया है जो खाजा का होना चाहिए। इस स्टेज पे हम इसे चम्मच से टेढ़ा करते हुए और प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम एक एक खाजा को धीरे धीरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब देखिए कितना बढ़िया अपना खाजा तैयार हुआ है। ऐसे ही हम सभी खाजे फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सभी खाजे को फ्राई कर लिया है। चलिए अब इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें हम 1 पाव शक्कर यानी कि शुगर डाल देंगे। तो आपको पहले हमने बताया था कि हमने 1 पाव मैदा यूज किया है, तो यहाँ पे हम शक्कर भी 1 पाव ही लेंगे। हम जितना शक्कर लेंगे उसका आधा पानी डालेंगे। तो हम इसी कटोरी से आधी कटोरी पानी डाल दे रहे हैं। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और शुगर को पिघलने देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी में अपना शक्कर पिघल चुका है। हमें चाशनी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तेज फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट चलाएंगे तो चाशनी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने पानी बहुत अंदाज से डाला है। तो एक तार की हमें चाशनी बनानी है। चलिए हम चाशनी तैयार होने पे आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपनी चाशनी में अच्छे से भाग आने लगी है। इस स्टेज पे हम यहाँ थोड़ा सा फूड कलर यूज करेंगे। वैसे तो
खाजा अपना ऐसे ही बनता है, पर मेरा मन है कलरफुल बनाने का, तो हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं। ये फूड कलर है, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो चाशनी अपनी कलरफुल तैयार हो जाएगी, आपको चाशनी चेक करके बताएंगे। तो हम चम्मच को चला के थोड़ी देर के लिए इसे बाहर रख लेंगे, क्योंकि ठंडा हो जाए, नहीं तो हाथ जलता है। फिर हम एक अंगुली से इसे बोड़ेंगे और दूसरे हाथों से ऐसे चिपका के देखेंगे। आप देख सकते हैं अपनी चाशनी तैयार हो चुकी है, चटचटी हो चुकी है। बस ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए, नहीं तो क्या होगा, खाजे के ऊपर लेयर आ जाएगी। तो हम फ्लेम को अब ऑफ कर लेंगे और इसमें खाजा को डुबा के आपको दिखाएंगे। ये अपनी गरम गरम चाशनी में हम एक एक खाजा को डालेंगे। अब ध्यान से देखिए कितना बढ़िया अपना खाजा तैयार हुआ है। अब हम इसे उलट पलट के अच्छे से रस में डुबा लेंगे, यानी अंदर तक अपनी चाशनी जानी चाहिए। ये एक डूब रहा है, साइड में हम दूसरा ऐसे डाल लेंगे। कम से कम हमें एक एक मिनट तक खाजा को रखना है चाशनी में, फिर हम निकाल के डिश आउट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम सभी को डुबा के दिखाते हैं आपको। तो ये पहला वाला अपना खाजा एक मिनट का हो चुका है चाशनी में। अब हम इसे चम्मच की मदद से प्लेट में निकाल लेंगे। फिर दूसरी वाली उलटते हुए हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अंदर तक अपनी रस जूस जो होता है वो जा चुकी है। चलिए हम सभी को चाशनी में डुबो के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी खाजे को रस में डुबो लिया है। आप देख सकते हैं कितना रसेदार वाला अपना खाजा तैयार हुआ है। अब हम इसकी प्लेटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी खाजा तैयार हुई है। तो हम इसे एक एक प्लेट में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये खाजा देख के हमें तो मुंह में पानी आ रहा है, शायद आप भी बनाएं तो आपको भी आएगा। तो आप अपने किचन में जरूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया खाजा बनाना कितना आसान है। इसे आप रक्षाबंधन पे, तीज पे या कोई भी फेस्टिवल हो बनाइए, बहुत ही मजेदार लगता है। अक्सर इसे सासू माँ लोग बहुओं को शरगई के रूप में बना के भेजती हैं। तो आपके यहाँ जो भी प्रचलन हो, इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।